दीप एंड यू वॉचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के सिलेक्शन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के 2015 के GS1 के जो सेट सी है उसका डिस्कशन करेंगे इसमें। सो जैसे कि पता है कि यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम आ रहा है पास में, तो इसी वजह से जो यूपीएससी के जो पुराने पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो वो काफ़ी बिकॉज ये डिस्कस करना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमें नए एक्सपेक्ट पता चलते हैं और जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी पता चल जाती है इससे। तो इस लेक्चर में हम यूपीएससी के 2015 का GS1 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये सेट सी है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट मिशन के बारे में है, तो इसमें पूछा है तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहला है इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, मतलब वो पहला है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। दूसरा इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, तो इंडियन कोर्ट्स की जो पावर है उनको और ज़्यादा इनलार्ज करता है। तीसरा है प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन ICS, जो ICS के जो एग्जाम है उसमें बोलते हैं कि और ज़्यादा इंडियंस को प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए ओनली वन, बी ए टू एंड थ्री, सी ए वन एंड थ्री, डी ए नन। तो इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, तो उसका सही आंसर है ए ओनली वन, मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है। सो बिकॉज कैबिनेट मिशन का मेन ये है कि वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सो जैसे उसमें रखा है कैबिनेट मिशन जो 1946 का वो करता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको एम्पावर करता है टू डील विद द डिफेंस एंड फॉरन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। सो ये इसका मतलब है। सो ये बाकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक इट्स लेजिस्लेटिव वेयर इज लिमिटेड पावर है डीलिंग विद फाइनेंस फॉरन अफेयर्स कम्युनिकेशन। सो इसमें बाकी ये दे रखा है। सो इस हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। सो दूसरा क्वेश्चन हम देखें, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्क। सो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ ए क्लाइमेट डेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, मतलब वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल तक और जो टेम्परेचर से आर्कटिक तक वेरीज करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है पहला कंचनजंगा नेशनल पार्क, दूसरा है नंदाई देवी नेशनल पार्क, तीसरा नेवरा वैली नेशनल पार्क, चौथा है नमदाफा नेशनल पार्क। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, आंसर है नमदाफा नेशनल पार्क। सो इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट टू आर्कटिक है। तो ये चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा था। सो तीसरा क्वेश्चन जो अमनेस्टी इंटरनेशनल है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है, तो ये इसमें पूछा था ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या है। तो ऑप्शन इसमें है कि एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रिफ्यूजी ऑफ सिविल वॉर, मतलब जो सिविल वॉर में जो रिफ्यूज हैं उनको हेल्प करती है और वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। दूसरा है एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। तीसरा ए नॉन गवर्नमेंट है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है किसको, पुअर पीपल को। और चौथा ऑप्शन में क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है टू केटर टू मेडिकल इमरजेंसी, जो मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करती है जो वॉर रिवेंज रीजन वाले होते हैं। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, तो इसमें सही आंसर है ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो ग्लोबली उनको करती है। सो ये इसका सही आंसर है दूसरा बी। सो तीसरे का आंसर क्या है, बी। सो जैसे कि ये अभी भी न्यूज़ में है बिकॉज अभी जो इंडिया में जो इसके जो ऑपरेशन थे उसको रोक दिया, सो स्टॉप अटैकिंग इंडिया। तो इसी वजह से जो यूनियन के जो रिपोर्टर्स हैं उसमें बोला है कि इंडिया के में जब इसके जो ऑपरेशन रोक दें तो इसके ऊपर ये बोला गया। सो इंडिया में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑपरेशन रोक दें, तो इस वजह से ये अभी भी न्यूज़ में, तो इस चीज़ को याद रखना। सो अमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा देखें, तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसको NGO बोलते हैं। सो इसके फाउंडर पीटर बेनिसन, इसको 1961 में जुलाई उसको फाउंड किया था और ये लंदन में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है जो UK। सो इस चीज़ को बस याद रखना, ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को बस याद रखना। देन फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेड अर्लीस्ट, मतलब हाँ जी अभी मैंने इसमें दे रखा है टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा वो जो सबसे पहला बना था। ऑप्शन है इसमें लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, दूसरा रॉक कट एलिफेंट एट धौली, तीसरा रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और चौथा है वरा इमेज एट उदयगिरी। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा बना था, तो सही आंसर इसका है रॉक कट एलिफेंट एट धौली। सो ये सबसे पहले बनाया था।
सो बाकी जो थे उनमें से इसमें डिटेल दे रखी है। सो रॉकेट की एलिफेंट जो 270 272 से 231 BC के बीच में ये बना था, वो भी अशोका के रीजन में, अशोका के मतलब टाइम पीरियड में बना था। और जो लिंगराजा टेम्पल है जो भुवनेश्वर में, वो 11 AD में बना था। और जो रॉकेट मोनूमेंट्स है जो महाबलीपुरम में, वो 7th century में बना था। और जो वराई में जो उदयगिरी में है, वो 5th century AD में बनी थी। सो सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है? रॉकेट एलिफेंट, जो कि धौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वाला। तो ए विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, मतलब फ्यूडल सिस्टम के बारे में पूछा, उन कौन सा एलिमेंट्री एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, मतलब इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं तीन। तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वेरी वीक प्रोविंशियल लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। दूसरा है इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। तीसरा है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेजर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इनमें से सही आंसर है बी, 2 and 3, मतलब ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो और इसमें ऊपर ऊपर बताया जाए, इसमें जो ऑप्शन है, मतलब इसमें जो पूछा जाए फ्यूडल सिस्टम के बारे में, फ्यूडल सिस्टम एक तरह का वो होता है लैंड मोबिलिटी, मतलब किसी एक आदमी को दूसरे, मतलब जो लैंड होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उस लैंड के बदले वो कुछ सर्विस मांगते हैं। तो उस जो ये जो प्रोसेस हो गया ना, उसी को फ्यूडलिज्म बोला जाता है। सो ये इसी में बताया जाए, तो द टर्म फ्यूडलिज्म जो है, टू विच द लैंड नोबिलिटी टू हैड लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो उससे जो सर्विस मांगते, लाइक मिलिट्री सर्विस हो गया या फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो उसके बदले लैंड के बदले में ये सर्विस मांगते हैं। तो ये इसका मतलब ये है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन इसका 6th क्वेश्चन हम देखें, बायोकार्बन फंड जो इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट, जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, वो कौन मैनेज करता है? तो ऑप्शन इसमें ADB बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, देन IMF, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, या वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। सो इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। सो जैसे इसमें लिखा है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है फंड करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा इट सीक्स टू प्रमोट रिड्यूस ग्रीन हाउस, इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रिड्यूस करना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन 7th क्वेश्चन इसमें देखा जाए, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें तीन स्टेट में दे रखे हैं, तो इनमें से तीनों में जो है, तो इंडिया किसका मेंबर है? पहला एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जिसको आशियन बोलते हैं, तीसरा ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। तो इंडिया सिर्फ जो ईस्ट एशिया समिट सिर्फ इसका ही मेंबर है, बाकी जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो आशियन है उसका मेंबर नहीं है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन 8th क्वेश्चन इसमें हम देखें, तो इन इंडिया स्टील जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब उसको इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर द इंपोर्ट ऑफ, मतलब उसको स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन इसमें सॉल्टपीटर, रॉक फॉस्फेट, कुकिंग कोयल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कुकिंग कोयल है उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, तो इस चीज़ को याद रखना। देन 9th क्वेश्चन इसमें देखें, द प्रोविज़न इन द 5th शेड्यूल, मतलब जो 5th शेड्यूल और जो 6th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किसका, मतलब उसका मतलब क्या, उसका मीन्स क्या है? ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स। तो इनमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है जो 5th और 6th शेड्यूल है वो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसका मेन आंसर सही आंसर ये है। सो जो ऑप्शन सी जो है उसका मेन यही है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो इसमें और बाकी देखा जाए, सो इट इंक्लूड 5th और 6th शेड्यूल एरिया लाइक एप्लीकेशन, जो पंचायती राज सिस्टम है तो उसमें इसको वो मिलता है सिक्योरिटी। सो दिस इज टू इंश्योर दैट द लोकल ट्राइब्स और प्रैक्टिस कस्टम रिलीजियस व्यू रिलीजियस लॉ और सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर नॉट टेम्पर, इस वजह से इनको थोड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है। और ऐसे अभी जो ये जो 6 और 5 और 6 है वो अभी 10 स्टेट में अभी है, वो कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो इस चीज़ को अब याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के कंसीडर में स्टेटमेंट को देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट डेट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू है वो यूनियन बजट जब बनता है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन दूसरा है नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से कोई अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट द अथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो बिना पार्लियामेंट की अथोराइजेशन से। तीसरा इसमें है, तीसरा है ऑल द डिस्टर्बेंस जो डिस्टर्बेंस मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, जो है जो पब्लिक अकाउंट है उसकी जो मतलब बिना पार्लियामेंट पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है उसके अथोराइजेशन के लिए। तो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से सही कौन सा है? सो इनमें से सही है सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट जो नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉ, मतलब कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके लिए पार्लियामेंट के बिना पार्लियामेंट के अथोराइजेशन के लिए वो उसको नहीं कर सकते। बाकी जो इसमें जो दे रखा है, बाकी जो इसमें जो ये है कि जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू नहीं करता प्रिपरेशन, वो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स बजट मतलब बजट को बनाता है, तो इसमें ये रोल है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें कि हु या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है उसका कॉन्स्टोडियन कौन है? तो अगर आपने इसको पता होगा तब मतलब आपने पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसका आंसर तो बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो गार्डियन और कस्टोडियन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, तो इसको याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखे जाए तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट में दे रखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है द एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था 1996 टू 1997 में टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंट टू पुअर फार्मर्स, मतलब लोन देने के लिए जो पुअर फार्मर्स है। दूसरा है द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था 1974 में, वो किसके लिए? वाटर यूज एफिशेंसी के लिए। तो इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सही है सिर्फ दूसरा वाला, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो वाला सही है। तो उस चीज़ को ध्यान, जो जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1974 में हुआ था और जो जिसका डेवलपमेंट किया वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए। सो जो प्रोग्राम है लॉन्च किया था गिमलो एक्सटेंशन प्रोग्राम उसके लिए, किसके लिए? मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट चलाए थे इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सो सीईडी जो मेन इसका मेन ऑब्जेक्ट है इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन पोटेंशियल एंड ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो ये है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी किसके अंदर, किस एक्ट के अंदर? तो ऑप्शन इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999, देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये हुई थी कमेटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इस एक्ट के अंदर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो इस चीज़ को याद रखना। सॉरी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें इन द मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन है जो कि इनिशिएटिव है 6 countries का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्टिसिपेशन, मतलब इनमें से कौन सी कंट्री है जो इस कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं है? तो इस ऑप्शन इसमें दे रखे हैं बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार या थाईलैंड, इनमें से कोई एक उनमें से है जो कि इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? वो है 1 and 3, मतलब बांग्लादेश और चाइना इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, बाकी जो कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो इसमें देखा जाए तो 6 members है जिसमें है इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, जो ये 6 members इस इनिशिएटिव का पार्ट है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 15 देखा जाए तो बेजल 3rd जो अकॉर्ड है जिसको बेजल 3 भी बोलते हैं वो किससे रिलेटेड है? तो बेजल जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो इम्प्रूविंग बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। तो इस चीज़ को याद रखना, जो बेजल 3 अकॉर्ड है तो वो है बैंकिंग से रिलेटेड, सो अपने जो बैंकिंग जो इंडियन बैंकिंग है तो जो बेजल 3D के जो वो अकॉर्ड है उससे मैच खाने के लिए इसको फॉलो करते हैं, मतलब इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, इनको इनके टर्म्स को ज़्यादा मानते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि जो विंड है जो ब्लो करते हैं 30 degrees north से लेकर 60 degrees south जो लैटिट्यूड पर थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज,
तो मतलब वेस्टर्लीज कौन सी होंगी जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक उसमें इस एरिया में वो चलती हैं, उनको वेस्टर्लीज बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट में दे रखा है जो मॉइस्ट एयर है उनका मासेज है कॉज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, तो जो पार्ट है उसका पार्ट होगी वेस्टर्लीज का। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसका सही है टू, मतलब कौन सा सही है स्टेटमेंट टू। सो जो 30 डिग्री नॉर्थ नहीं है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक, इसका आंसर यही है। तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखा, इसमें इसे देखा रखा है, इसमें पिक्चर में देखा जाए 30 डिग्री नॉर्थ से लेके वह जो वेस्टर्लीज देखा जाए जी साउथ 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ तक, तो इसको वेस्टर्लीज बोला गया है इसमें, तो ये इनकी लोकेशन है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इसी वजह से वो पहला वाला गलत था। देन 17 क्वेश्चन, इसमें देखा जाए तो विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, तो इसमें इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें, तो देखते हैं इसमें। तो इट वॉज इस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली इन रेस्पॉन्स टू इंसिडेंट फॉर पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल, मतलब इसको बनाया गया था किसके लिए, जो पायरेसी या जो एक्सीडेंट हो रहे थे ऑयल स्पिल के लिए, ऑयल स्पिल उसके लिए बनाया है। दूसरा है ये अलायंस मीट फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए भी था ओनली, तो इसमें जो ओनली आया तो इस चीज़ को याद रखना, तो इसका ये इनमें से कोई भी सही नहीं है इंडियन नाइदर वन नाइदर नॉर्थ। तो मेन क्या है, तो ये हुआ था 6 से 7 मार्च 1997 इसको लॉन्च किया गया था, इसका मेन प्रायोरिटी फोकस था प्रमोट एंड सस्टेन ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट फॉर दिस रीजन, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो इन जो मेंबर स्टेट है उनके लिए, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखा जाए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सिम, मतलब वो कौन सा इंसिडेंट है, ये कौन सा मूवमेंट है जिसकी वजह से जो स्प्लिट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के बीच में जो स्प्लिट हो गया था, तो इसका सही आंसर है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम के बीच में जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया था, तो ये दोनों तब अलग हो गए थे, तो इस चीज़ को याद रखना। देन 19 क्वेश्चन इसमें देखे जाए तो इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू द रोबस ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम्स एज द टाइम पासेस दीज ब्रिज बिकेम स्ट्रॉन्गर सो दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिज आर फॉर्म्ड इन, मतलब एक जो पेड़ की जो जड़ें हैं तो उसका जो लिविंग रूट ब्रिज उसको बनाया गया, तो ये कौन से स्टेट में मिलता है, ऑप्शन इसमें मेघालय हिमाचल प्रदेश झारखंड या तमिलनाडु, तो इसका सही आंसर है मेघालय। सो मेघालय में जो ये लिविंग रूट ब्रिज ये देखने को मिलेगा और ये कुछ ऐसा दिखता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये तब के टाइम में पूछा गया था, तो ये तब के टाइम में ये न्यूज़ में था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो टाइड्स अकर इन ओशन और सीज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब टाइड्स के बारे में क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कोई सही होगा। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, तो टाइड जब होती हैं तो किसके उसमें होती हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन उसके बारे में उसकी वजह से, या जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से, या जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इसकी वजह से, तो इसका आंसर है तीनों सही है इसमें, तो मतलब तीनों के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो टाइड्स होती हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए 21, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS जो सैटेलाइट हैं उनका यूज क्या है, सो इसमें ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, देन मिनरल एक्सप्लोरेशन, देन थर्ड इज टेलीकम्युनिकेशन, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन, पांचवा है ट्रैफिक स्टडीज। तो IRS जो सैटेलाइट है जिनको इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव जो यूज है उसका क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, पहला दूसरा तीसरा 1 2 3, जिसका असेसमेंट क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इसका यूज करता है, जो लोकेटिंग ग्राउंड वाटर उसको उसके लिए यूज करता है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करता है, तो इस चीज़ को याद रखते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, जो स्टेट हैं तो हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, तो इसमें दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिकल वेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट किन किन स्टेट में मिलेगा, सो इनमें से कौन से स्टेट में मिलेगा, ऑप्शन है इसका आंसर है इसका 1 और 3, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, तो इन दो स्टेट्स में ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रखना, और ये थोड़ा और इसमें और क्लियर हो जाएगा। सो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हो जाता है और मिजोरम, तो इसमें ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर ये
माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, तो इस चीज़ को याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है, दो टर्म दे रखी है एंड इंडियन आर्क सो की पहले जो 2015 के टाइम में न्यूज़ में रही थी, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका सही आंसर है इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन, मतलब इंडिया की अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी जिसको जो आर्कटिक रीजन को स्टडी करती थी, तो इसका मेन यही है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, तो ये मतलब इसके फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में देखा जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, इट इज़ ग्लोबली पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल, दूसरा है इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है इट असिस्ट द कंट्रीज इन रेड प्लस जो REDD+ इसका नाम है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस एफर्ट बाई प्रोवाइडिंग दैम विद फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट। तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट सही होंगे, तो इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। जो पहला तीसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी इससे रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो पहले इसमें देखो FCEU के बारे में जो वहाँ से साइड से कटआउट लिया गया है, तो फॉरेस्ट कार्बन में जिसमें लिखा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका मेन है बिजनेस सिविल सोसाइटी इंडिजिनस पीपल इनको सपोर्ट करता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है रिड्यूसिंग इविजन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है और इसमें रेड प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, मतलब 2015 में उस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेट दिया गया था, तो वो कौन सी है? तो इसमें से सही आंसर है उड़िया, मतलब उड़िया लैंग्वेज को उस टाइम में 2015 के टाइम में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, और ये तीनों जो लैंग्वेज अभी तक इनको क्लासिकल स्टेट नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए भी रिलेवेंट होता है। तो अभी तक 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिक लैंग्वेज दिया गया, क्लासिक लैंग्वेज स्टेटस दिया गया, कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। उड़िया को 2014 में दिया था, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 5 में, कन्नड़ को 8 में, तेलुगु को 8 में और मलयालम को 2013 में। सो रिसेंटली देखें तो उड़िया ही सबसे रिसेंट है लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, मतलब वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो पहला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन एंड रेफर टू एज इंपोर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के रेस्पेक्ट में, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, साइंटिस्ट नेम जो नॉर्मन में है उसके उनसे लिया गया था हॉटस्पॉट के बारे में, ना कि वो थे, तो इस चीज़ को याद रखना। जैसे इसमें ना क्या हॉटस्पॉट के बारे में बोला है, तो हॉटस्पॉट के बारे में साइंटिस्ट नॉर्मन मेन ने वो दिया था एप्लीकेशन, तो इस चीज़ को याद रखना। देन 27 क्वेश्चन नंबर इसमें देखा जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है साउथ वेस्ट ऑफ एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, मतलब मेडिटेरियन सी है तो वो कौन सी कंट्री जो साउथ मोस्ट वेस्ट है वो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करती? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं सीरिया, जॉर्डन, लेबनन, इजराइल, तो इसका सही आंसर है जॉर्डन। सो जॉर्डन कंट्री है, वो एक लैंडलॉक कंट्री, मतलब लैंडलॉक तो नहीं बोलेंगे बट वो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करती। सो जैसे इस मैप में दे रखा है सीरिया, इरी, लेबनन और इजराइल, सो ये जॉर्डन है जो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करती, तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी तीनों कंट्री मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। सो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन का आंसर ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द वन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक इज ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, मतलब इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो डोमिनेंट करता है, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज में मिलता है? ऑप्शन इसमें है ट्रॉपिकल मॉस डेसर्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट इज ग्रासलैंड, तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजस फॉरेस्ट। तो ये ज़्यादातर हम इंडिया में देखने को मिलेगा, तो जैसा कि मैप में है, सो दे रखा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजस फॉरेस्ट,
बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को अब याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए 29। सो जो बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है, जो बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, तो न्यूज़ में था उस टाइम में, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, वो एक एजेंडा था फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इस जो डिक्लेरेशन मीन्स ये था कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आउटकम आया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन में, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, ईच डे इज मोर और लेस देन सेम और द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट स्काई, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखा है, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विद द सी ब्रिज एज द सन क्लेम द हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप डार्क क्लाउड्स फ्रॉम फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग बट रेन इज सून ओवर। तो ये जो इसका जो इसमें दे रखा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है इक्वेटोरियल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, सो जैसे कि इक्वेटोरियल में देखा जाए, तो इक्वेटोरियल का क्लाइमेट कैसा रहता है, मतलब जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर रहता है, लाइक 30 डिग्री तक, और वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन जो बारिश है वो 150 से लेकर 1000 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हैवी क्लाउड देखने को मिलेंगे, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, और वेरी लिटिल एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, और वेट इक्वेटोरियल रीजन में लाइक करता है, लाइक वो 12 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर पर वो लोकेट करता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, तो विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इंडियन इकोनॉमी में स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा सही है। तो पहला है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। दूसरा है, जो GDP है जो मार्केट प्राइस में देखा जाए, वो अभी इंक्रीज हुई है लास्ट डेकेड में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो है आंसर नंबर है इसका बी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो GDP है वो अभी लास्ट डिकेड में इंक्रीज हुई है, पर जो पहला वाला जो दे रखा है, जो रियल GDP है वो स्टेडी इंक्रीज अभी नहीं हुई लास्ट डिकेड में, थोड़ी डिक्रीज भी हुई है, तो इस चीज़ को याद रखना। जैसे इसमें इसमें बताया गया कि इंडिया की GDP मार्केट प्राइस में डेटा जिसमें दे रखा है, और जो जो पहले का जो 2020 का डेटा था और जो 2021 का डेटा कंपेयर किया जाए, वो थोड़ी डिक्रीज हुई है, तो इस वजह से वो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है और दूसरा वाला सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है, इसमें में स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो पहला है स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन द साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दे रखा है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट में वो लार्जर होती है, और जो हाफ होगी लार्जर इन द साइज ऑफ द हाफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन दूसरा दे रखा है, जो गवर्नर जो है, जो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो नॉमिनेट कर सकता है चेयरमैन, वो किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो भी पर्टिकुलर किसी स्टेट में। मतलब मेन ये कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन को नॉमिनेट कर सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं, 9D 9D 1। सो बिकॉज इसमें दे रखा है, जैसे इसमें देखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी काउंसिल की वो फिक्स होगी, मतलब 1/3 होगी असेंबली की, तो ये है ना कि हाफ होगी। और दूसरा जो है चेयरमैन, वो चेयरमैन कौन अपॉइंट किया जाएगा, जो उस काउंसिल के जो मेंबर होंगे उनके द्वारा, ना कि गवर्नर के द्वारा। तो इसी वजह से वो दोनों जो स्टेटमेंट है वो इसी वजह से दोनों गलत हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो प्रोविजन, ये जो लाइन है, ये जो प्रोविजन है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीएम्बल में देखने को मिलेगी, DPSP में देखने को मिलेगी, या फंडामेंटल राइट्स में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये जो प्रोविजन, ये जो लाइन जो है वो देखने को मिलेगी कहाँ पर, फंडामेंटल में। सो फंडामेंटल में ये चीज़ देखने को, ये देखने को हमें मिलेगी, तो इस चीज़ को याद रखना। सो जैसे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें ये देखा जाए, तीसरा पॉइंट है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के बताया, तो इकोसिस्टम के लिए बेस्ट जो स्टेटमेंट है कौन सा है, जो ये जो टर्म दे रखी है वो कौन सी है? तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? सी वाला। तो इसका आंसर है सी, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टूगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, तो ये स्टेटमेंट सही होगा इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव में, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, वो है पॉलिटी का,
तो पॉलिटिक आया फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम वो क्या है। पहला मतलब उसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, मतलब पीपल की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस चीज़ को याद रखना, ये मतलब उसके हिसाब से ये सी वाला आंसर सही हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर, मतलब इंडियन इकोनॉमी कंसीडर ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट या पब्लिक रेवेन्यू। सो ये जो कंपोनेंट दे रखे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उससे रिलेट करते हैं, उसमें जो आते हैं कि नहीं, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन है। सो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा, बैंक रेट और ओपन मार्केट, ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है और बाकी के जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो पब्लिक डेट या जो पब्लिक रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो बैंक रेट और जो मार्केट ऑपरेशन है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। सो जैसे इसमें लिखा है कि पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू आर मैटर फेलिंग अंडर द फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखें विच रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच इज़ द फॉलोइंग, मतलब इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा। पहला, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ ओनली, तो जहाँ ओनली आया तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत ही हो जाता है। दूसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो ये भी क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, तो मतलब मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज कर दें तो वो कहीं ना कहीं और इन्फ्लेशन को हेल्प, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाता। चौथा है क्या है वैसे देख लेते हैं, चौथा है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बट नहीं, जो अगर मनी किसी के हाथ में मनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी, जब परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से जो इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, इसी वजह से तीसरा वाला सही हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखें, इसमें दे रखे हैं चाइना, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, तो इसके रस्म में दे रखा है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है रिकॉग्नाइज किया है, तो ट्रीटी है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है, तो इसमें से किस स्टेट ने वो साइन नहीं की, ये इन्होंने किन को रिकॉग्नाइज किया है, तो इसका आंसर पहला है 1 और 2, जो चाइना और जो ए, मतलब जो है चाइना और जो फ्रांस है, उन्होंने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको भी मानते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए 39 वाला, तो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब वेलफेयर स्टेट के बारे में कहाँ पर इसमें मेंशन दे रखा है, प्रीएम्बल में, DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में, या 7th शेड्यूल में, तो इसका सही आंसर है DPSP में, मतलब DPSP में जो वेलफेयर जो स्टेट के बारे में मेंशन किया रखा है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो वेलफेयर DPSP में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एग्जांपल, मतलब इसका जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील और वुडन प्लो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो किसका एग्जांपल है, एग्जांपल किसका है, वो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, ये इस चीज़ का एग्जांपल है, तो इसको भी आप याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए डिस्कस करें, तो देर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, मतलब पार्लियामेंट सिस्टम जो है इंडिया में गवर्नमेंट वो है बिकॉज किसकी वजह से, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, लोकसभा के लिए, इस चीज़ के ना कि जो बाकी जो 3 स्टेटमेंट वो गलत, लाइक जो लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल की वजह से, बट इसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, ना ही पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वजह से अभी नहीं है, बस मेन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्स करते हैं लोकसभा के, इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो जैसे कि इसमें दे रखा है एक्सप्लेनेशन वो दे रखा है, जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो लोकसभा करता है अंडर आर्टिकल 75, सो 75 आर्टिकल के अंडर जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो लोकसभा की हो जाती है, इसी वजह से जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए,
जो H1N1 वायरस है जो न्यूज़ में रहा था, तो उसका मतलब क्या है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू? तो इसका सही आंसर है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का ही मतलब था H1N1 वायरस, तो इस चीज़ को अब याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विद रेफरेंस टू द बायो टॉयलेट्स, जो बायो टॉयलेट्स थे यूज करते थे इंडियन रेलवे में, तो इसका इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाय द फंगल इनकॉलमन। जो 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 ह्यूमन वेस्ट था उसका जो इनिशिएट जो डिकम्पोजिशन होता था वो फंगल इनकॉलम की वजह से होता था। दूसरा है, जो अमोनिया एंड वाटर वेपर रेट वेपर है वाटर वेपर है आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन विच आर रिलेटेड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका है नाइदर नॉर। तो इस चीज़ को इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन में देखा है। तो अंडर द बायो टॉयलेट कॉन्सेप्ट जो कि DRDO की तरफ से था, बायो डाइजेस्टर टैंक इफ एवरी टॉयलेट इज फिलिंग विद द इनकॉलमन कंटेनिंग फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ना कि फंगस जो था उसमें फंगल इनकॉलम था। तो इसी वजह से पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाता है। दूसरा, उसमें वाटर ट्रैप सिस्टम था टॉयलेट में जो प्रिवेंट करता था एयर को फ्रॉम गेटिंग इनटू द टैंक। और जो ह्यूमन वेस्ट था वो सब होता है एनारोबिक, जो एनारोबिक की जो बैक्टीरिया था उसकी वजह से। तो इस वजह से जो दूसरा अमोनिया जो वाटर वेपर था वो भी, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, सो द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, जो प्रॉब्लम थे इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, तो जो इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, तो किस वजह से होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? वो डॉलर्स एंड अदर हैंड करेंसी की वजह से। सो अगर इंडिया में जो डॉलर है या जो अदर हैंड करेंसी है उसकी अगर कमी हो जाती है या नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी कमी हो जाती है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, सो जिसमें और लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी रेफर्स टू द जनरली एक्सेप्टेड ऑफिशियल मीन्स ऑफ सेटलिंग इम्बेलेंस इन इंटरनेशनल पेमेंट विच इज बेसिकली डॉलर एंड हार्ड करेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में दे रखा है फ्यूल सेल और हाइड्रोजन रिच फ्यूल के बारे में। सो पहला है इसमें, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। मतलब इसमें जब हम प्योर हाइड्रोजन को आप यूज़ करेंगे तो वो इमिट क्या करेगा? हीट और वाटर। दूसरा है फ्यूल सेल जो अगर उसमें पावर बिल्डिंग होगा यूज़ करेंगे, नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप, तो उसमें पावर बिल्डिंग यूज़ करेंगे ना कि लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए। तीसरा, इसमें फ्यूल सेल है वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी में करेंगे उसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सिर्फ ओनली वन। तो मतलब वो है कि अगर प्योर हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं तो एज ए फ्यूल सेल वो क्या करेंगे? हीट और वाटर उसको एज ए इमिट करेंगे। तो इस वजह से पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कलमकारी जो पेंटिंग है वो रेफर, मतलब इसका मीन्स क्या है, मतलब इसका मीन्स क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला वाला, ए, ऑप्शन ए, ए हैंड पेंटिंग पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है साउथ इंडिया में। सो कलमकारी पेंट साउथ इंडिया में हैंड पेंटेड कॉटन वाली टेक्सटाइल में, तो उस चीज़ को याद रखना। सो ये कुछ ऐसी इस तरह की दिखती है। सो ये इसकी पिक है, इसमें दिखता है। सो कलमकारी पेंटिंग इज टाइप ऑफ इंडियन फॉल्क टेक्सटाइल आर्ट है जो इन्वॉल्व इज अ फ्री हैंड ड्राइंग एंड पेंटिंग और प्रिंटिंग ऑन द क्लॉथ मोस्टली कॉटन। क्लॉथ में होती है, जो मोस्टली कॉटन वाले जो होते हैं वो उसमें होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। जो सीड विलेज कॉन्सेप्ट चला था तो उसको मेन, उसका मतलब मेन क्या है? तो इसमें कौन सा वो फॉलो बेस्ट डिस्क्राइब होगा इन सभी स्टेटमेंट? तो उसका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मीन्स सॉरी सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या होगा? इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, मतलब फार्मर्स को इन्वॉल्व करना क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में, और उसके अलावा जो देर बाई मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स, इसके अलावा अदर्स के लिए क्वालिटी सीड को अवेलेबिलिटी करना एट ए अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल करना, काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम कॉस्ट में, मतलब जो अफोर्डेबल कॉस्ट होगी उसमें। तो ये इसका सीड विलेज कॉन्सेप्ट था ये, तो इस चीज़ को भी याद रखना। देन जैसे इसमें और लिखा है,
ए विलेज वेयर इन ए ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन द जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, इसमें प्रोड्यूस करेंगे सीड्स को एज ए वेरियस को लाइक ऐसे भी बनाएंगे वो, ताकि कम समय में उसको अवेलेबिलिटी मिले और प्लस जो उनके जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है वो भी काफ़ी कम अफोर्डेबलिटी हो, तो इस ये चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो नेक्स्ट है कि देर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाई द गवर्नमेंट टू रिड्यूस, मतलब जो डेफिसिट रिड्यूस है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा स्टेप ले सकती है। पहला इसमें दे रखा है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, तीसरा रेशनलाइजिंग सब्सिडी, तीसरा और चौथा एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री। तो इन चार में से कौन सा स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है, तो गवर्नमेंट ऑप्शन इसमें सही है पहला और तीसरा, मतलब रिड्यू मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कम करेगी और जो दो सब्सिडीज हैं उनको भी कम होगी, तब तब जाके उसका जो डेफिसिट है वो कम होगा, ना कि जो जो ना कि जो वेलफेयर स्कीम है उसमें पैसा खर्च होता है तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, और जो इंडस्ट्री को जो एक्सपेंडिंग करेंगे उन्हें तो इंडस्ट्री अब कहीं भी एक्सपेंड होती हैं तो उसके लिए जो कैपिटल आएगा जो पैसा आएगा तो उसको वो एक तरह का डेफिसिट होगा, बिकॉज जो इंडस्ट्री जो होती हैं वो एक शॉर्ट टर्म में नहीं होती, मतलब वो एकदम लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, इस वजह से उसको आंसर में नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेट है, तो इसका मेन इसमें दे रखा है कि उनमें से कौन सा सही है जियोग्राफिकल, तो पहला है बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल भाटी चूरमा या तिरुपति लड्डू, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, जो बनारस के ब्रोकेट्स हैं साड़ी और जो तिरुपति लड्डू है, तो ये GI इंडिकेशन इनको स्टेटस मिला हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन फिफ्थ क्वेश्चन इसमें देखें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी और डेवलपमेंट एजेंसी जो IREDA है, तो इनमें से कौन सा स्टेप इसके सबसे में सही होगा, पहला है इट इज़ ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब जिसको NBFC बोलते हैं, तो दोनों ही इसमें सही है, तो दोनों ही इसके स्टेटमेंट सही होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो लॉन्च हुई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सी वाला प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस थी वो कंट्री में और ज़्यादा प्रोवाइड करना सभी को, तो इसका यही मेन था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं वो है नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन, जो 14th फाइनेंस कमीशन था तो उसके स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो पहला इसमें इट इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिवीजन पूल फॉर 32%, मतलब उसका जो मतलब इसमें यह है कि पहला है कि जो स्टेट का जो शेयर था वो 32 से बढ़कर कितना करते हैं 42। दूसरा इसमें इट मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक, जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट से उसमें इसकी रिकमेंडेशन दिया था ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से पहला वाला सही है, तो इसमें यह कि जो स्टेट का जो शेयर था वो बढ़ाने की बोला था 32 से लेकर कितना 42%, तो इसको याद रखना 14 फाइनेंस कमीशन का था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्टिलाइजर जो डिक्लेरेशन है उसका मीन्स क्या है, या वो खेत से रिलेटेड है, जो इस टाइम जब ये 2015 में जब ये न्यूज में चल रहा था तो ये है ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, सो ब्रिक्स जो हुआ था तो उससे रिलेटेड, सो जब ये डिक्लेरेशन हुआ था फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन जो ब्राज़ील में, तो इसका मीन है कि एग्रीमेंट फॉर द सेटिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था वो इस डिक्लेरेशन के अंडर हुआ था, सो ये MOU साइन हुआ था बिटवीन द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसी और ब्रिक्स के अंडर, तो इस चीज़ को याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो ए डिक्रीज इन द टैक्स इन GDP, सो GDP अगर टैक्स डिक्रीज होता है तो टू GDP रेशियो के अकॉर्डिंग ए कंट्री, तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन है इसमें स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है एक इंडिकेट करता है, या लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो लेस जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में वो कम होती है, तो इनमें से दोनों ही गलत हैं, कुछ नहीं होता, सो दोनों ही उल्टा होता है, सो जैसा स्लो होता है वो ग्रोथ इंक्रीज होती है, इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें 55 वाला, तो इन साउथ अटलांटा एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, तो साइक्लोन डज नॉट ओरिजिन इन, सो तो इन रीजन में साइक्लोन ओरिजिन होते हैं, तो इनका रीजन क्या है, तो इसका रीजन सिर्फ सेम यही है, जो सी सरफेस जो टेम्परेचर है वहाँ का वो काफ़ी कम है, इस वजह से वहाँ पाकिस्तान फॉर्म, इस वजह से वहाँ पे जो साइक्लोन है जनरेट होता है, इस वजह से इंडियन ओशन में ज़्यादातर वहाँ पे साइक्लोन जनरेट होते दिखते हैं, तो ये रीज़न इसका हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें 56, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब पेयर दे रखे हैं,
तो इसमें देखिए जो इसमें दे रखा कौन सा जो ईस्टर्न मोस्ट है और कौन सा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है इंडिया का, असम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, असम गुजरात या अरुणाचल प्रदेश गुजरात। तो ईस्टर्न वो एक होगा ईस्टर्न मोस्ट और दूसरा होगा वेस्टर्न मोस्ट, तो याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो गुजरात हो जाता है वेस्टर्न मोस्ट वाला और जो अरुणाचल प्रदेश है वो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया का, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो इससे पहले मैप में देखो तो ये गुजरात ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा वेस्ट में और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे ज़्यादा ईस्ट में, इस वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तो इसका आंसर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP। सो DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहला है प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, जो प्रिंसिपल स्पेल है उसमें बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा है जो प्रोविजन कंटेंट जो है दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल, जो प्रोविजन दे रखे हैं तो वो कोर्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब कोर्ट इनको बोल नहीं सकती, इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती, ये है। तो इसमें सही कौन सा है, तो इनमें दोनों सही हैं, वो बहुत ए एंड बी DPSP से रिलेटेड, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। देन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो एक इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट, तो इन समय जो 8 कोर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेट किसका, मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन है इलेक्ट्रिक जनरेशन में, उस टाइम में इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो है वो सबसे ज़्यादा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक एज ए बींग ए स्वाम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन, मतलब कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है जो सपोर्ट करती है वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को, तो उनमें से कौन सा नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क कौन सा है, कैबो लमजाओ नेशनल पार्क। सो कैबो लमजाओ जो नेशनल पार्क थे वहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है, सो इसी वजह से वहाँ पर फ्लोटिंग, और ये जो कैबो लमजाओ नेशनल पार्क है वो मणिपुर में मणिपुर में लोकेटेड है, सो इस चीज़ को भी याद रखना, जो कि लोकटेक वहाँ लोग जो लोकटेक लेक है वो भी इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो ये पॉइंट्स को भी याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, जो NIF था तो उससे रिलेटेड दे रखें, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसका देखें तो इनमें से जो पहला वाला जो आंसर है पहला वाला स्टेटमेंट वो सही होगा। सो NIF इज इन वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत होगा, तो ये चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें देन व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो यूज़ किया जाए या एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखें तो जो सी वाला ऑप्शन है 2 और 3 वाला ये सही होगा, तो डाइट इनको पढ़ते हैं तो इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा जो लीचिंग होती है जो नाइट्रेट की ग्राउंड वाटर में वो होने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इम्पैक्ट होगा जब अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें देन विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसको IUCN बोलते हैं एंड जो साइट्स हैं जिसको कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडिजिनस स्पीसीज है वाइल्ड फोना फ्लोरा साइट्स जो उसको बोलते हैं, तो इनसे रिलेटेड स्ट्रीम में दे रखें तो कौन सा सही होगा, तो इसमें दोनों बी और जो बी है जो दूसरा तीसरा है वो स्टेटमेंट सही होंगे, तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो IUCN रन थाउजेंड ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब IUCN है वो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट चलाती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को जो मैनेज बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज करती है, और जो साइट्स के बारे में इसमें दे रखा है साइट्स एक लीगली बाइंडेड है बाकी स्टेट में जो मेंबर स्टेट हैं और सभी ने इसको ज्वाइन कर रखा है और कन्वेंशन है डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, बट इसकी वजह से जो नेशनल लॉ में ये प्लेस नहीं करता, तो ये इसमें डिफरेंस दे रहा है, तो दूसरा तीसरा इसमें स्टेटमेंट है वो सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन आर अप्रूव्ड बाय, मतलब शुगर केन का जो फेयर जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो कौन अप्रूव करता है, सो ये अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो शुगर केन का जो द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो अप्रूव करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें देन व्हाट इज द एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो काउंटर करंट है इक्वेटोरियल की जो ईस्टवर्ड फ्लो है
तो उससे उसका क्या मतलब है, उससे क्या है। सो ये इसका ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो इसका मीन है कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, जो दो इक्वेटोरियल करंट है उनका कन्वर्जेंस होता है, तब जाके ही ईस्टर्न फ्लो वाला इक्वेटोरियल काउंटर करंट बनती है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका मेन, तो इस वजह से ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, कंसीडर करें, एक इसमें दे रखा है प्लेस दे रखे हैं और लोकेशन दे रखी है, जो प्लेस वो कौन से पिलग्रिम्स वाले प्लेस हैं और लोकेशन है। तो इनमें से सही कौन सा, जो मैच फॉलोइंग वाले हैं तो इनमें से सही कौन सा है, तो इनमें से सभी सही सिर्फ एक वाया, पहला वाला श्रीसलम जो कि नलमल्ला हिल्स में लोकेट करता है, ओके। और जो बाकी जो दूसरे वाले हैं, जो ओमकारा है वो मंदना वाले हिल्स में है, जो एमपी में लोकेट करता है, और जो पुष्कर वाला है वो अजमेर में करता है लोकेट, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट सत्याग्रह था, तो विच, तो इसके उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट है वो सही है रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब तीसरा वाला गलत है। तो हम डायरेक्ट 1 और 2 पढ़ते हैं। जो रॉलेट एक्ट है वो बेस्ड था रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी, जो सेडिशन कमेटी था उस पर बेस्ड था रॉलेट एक्ट। और दूसरा जो है इस रॉलेट एक्ट गांधी जी ट्राई टू यूज द होम रूल लीग, सो गांधी जी इस रॉलेट एक्ट में होम रूल लीग तो उसका यूज करना चाहते थे। तो ये दो स्टेटमेंट है जो सही हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, अमोंग द फॉलोइंग विच वर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज, सो इनमें से ये है कि इन सब चीज में जो न्यूज में चल रही थी, तो जो आउटब्रेक जो इबोला वायरस वाला चल रहा था उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, किस कंट्री में था। तो ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन इसमें सही है बी वाला, गुनी सीरिलियनो देन लाइबेरिया। तो इन तीन कंट्री में जो इबोला वायरस जो था उस टाइम सबसे ज़्यादा था, तो इस वजह से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन का पार्ट है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें 68, तो विद रेफरेंस टू द फ्लाई एस प्रोड्यूस बाई द पावर प्लांट्स यूजिंग द कोल एज अ फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो पावर प्लांट जो थे जो कोल का जो एज ए फ्यूल की तरह काम मतलब यूज़ करते थे, तो इस वजह से जो फ्लाई एस ज़्यादा यूज में आता मतलब उड़ता था, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला इसमें, तो इसमें से ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा वाला है ऑप्शन इसमें सही है पहला वाला 1 और 2, तो हम डायरेक्ट इनको पढ़ते हैं। तो फ्लाई एस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है फ्लाई एस कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट, तो ये ऑप्शन सही है 1 और 2 वाला, तीसरा वाला गलत है, तो ये नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें 69th, सो विद रेफरेंस टू द डगोंग जो कि एक मैमल है फाउंड इंडिया में मिला था, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला ये एक हर्बीवोरस एनिमल मरीन एनिमल है, दूसरा ये फाउंड होता है एज एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में, जो एंटायर जो कोस्ट ऑफ इंडिया वहाँ पर मिलेगा। तीसरा है इट गिवन लीगल इसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके अंदर उसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है। तो इनमें से सही आंसर है सी वाला 1 और 3, सो 1 और 3 ये एक हर्बीवोरस एनिमल है और ये इसको लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। सो ये इस तरह का दिखता है ये एनिमल है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म, जो इंडिया के टाइम पे है, तो इकोनॉमी जो क्रिटिक्स थे उनमें से ये कौन है, तो कौन हो सकते हैं, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ये तीनों ही इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे जो कॉलोनियलिज्म चल रहा था इंडिया के टाइम में, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी या जो इकोनॉमिक ब्लंडर जो कर रहे थे इंडिया का, तो वो इकोनॉमिक जो ये क्रिटिक्स थे ये उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो ये दादाभाई नेहरू, जी सुबिन अय्यर और जो आरसी दत्त, ये तीनों ही इनमें से सही आंसर है। सो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू हैज़ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जो रिपोर्ट है जो पीरियडली आती है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, तो ये है वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, क्या नाम है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, तो व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द स्टेचुरी लिक्विड बाय द 50% पॉइंट्स, मतलब जब अगर RBI जो स्टेचुरी जो SLR है उसको 50 पॉइंट्स को रिड्यूस करती है, तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा।
तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो जो लैंडिंग रेट है उसमें कट कर देंगे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग मतलब जो पैसा वो लोन में ज़्यादा देना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मतलब होगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो विद द रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, मतलब हेल्थ सेक्टर में अगर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो उसका तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही होंगे, मतलब टारगेटेड मतलब ये जो टारगेट जो ड्रग डिलीवरी है वो पॉसिबल हो जाएगी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जो दूसरा जो है जो नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी में उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल पर। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड, मतलब जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में इंडियन मार्केट में वो किसके अंडर रेगुलेट किए जा सकते हैं, इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट, सो इसके अकॉर्डिंग ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को रेगुलेट किया जाए। सो ये क्वेश्चन आज भी 2021 के जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल, मतलब इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, तो इसका आया गंगेटिक डॉल्फिन, तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इसमें दे रखा है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसमें डी कोई सा भी स्टेटमेंट सही होना, सो बिकॉज जो एडवोकेट बाय द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इविजन ऑफ टैक्सेस, तो इसके जो कांग्रेस सोशल पार्टी था उसका ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। दूसरा इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटर्स ऑफ द प्रोलेटेड, ये भी इसका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं था। तीसरा जो है इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ड क्लासेस, नहीं वो किसी भी माइनॉरिटी और ऑपरेस्ड क्लासेस को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहती थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इट एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म का वो एक उसका पार्ट था वो सोशलिज्म चाहती थी, और इसके अलावा इन विच कोऑपरेटिव ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट फार्मर्स और लोकल अथॉरिटीज वुड होल्ड ए सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब सोशलिज्म वाला उसको आइडियोलॉजी फॉलो करती थी, तो ये इसका मेन उसका आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट दे रखे तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो देखते हैं राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल, मतलब इसमें दे रखा है राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, ना वो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है मनी बिल को स्पेशली, मतलब बोल रखा है मनी बिल को। दूसरा राज्यसभा हैज़ कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, मतलब राज्यसभा के पास वोट करने की पावर नहीं है जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होते हैं। तीसरा राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो राज्यसभा जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको डिस्कस नहीं कर सकती, तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, इसमें सही आंसर है पहला दूसरा, मतलब पहला दूसरा ठीक है लेकिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसको राज्यसभा जो है उसको डिस्कस कर सकती है जैसा, तो इस वजह से ये तीसरा वाला स्टेटमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1919 वाला वो उससे रिलेटेड मतलब क्या वो डिफाइन करता है, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरा पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडिया एंड द वाइसराय एंड ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जुडिशन जो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जुडिशन वो होता है सेंट्रल वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, तो इसका मेन इसमें आंसर है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए then which of the following brings out the consumer price index number of the industrial worker, so जो index जो है consumer price index number for the industrial worker वो कौन सी organization या कौन सी institute है वो निकालता है, तो जैसे कि industrial worker से related है तो mostly the labor bureau है, तो इसका सही answer हो जाता है labor bureau, तो ये organization ये index निकालती है। then next question इसमें देखा जाए इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब, सो जो आइस क्यूब है उससे रिलेटेड है, तो जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है तो उससे रिलेटेड बोला है, तो ए पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड इन साउथ पोल
विच आर रिसेंटली न्यूज़, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो न्यूज़ करंट अफेयर वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें दे रखा है। सो इसमें जो आंसर है तीनों सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है इन कंपसिंग ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। दूसरा, इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू रिसर्च फॉर डार्क मैटर। तीसरा, इट इज़ बरीड डीप इन आइस क्यूब आइस। सो ये तीनों स्टेटमेंट है जो आइस क्यूब से रिलेटेड जो पार्टिकल डिटेक्टर है जो कि साउथ पोल में लोकेटेड है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, देन जो टर्म है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज़। मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, तो इससे रिलेटेड वो किससे जो करंट अफेयर, तो वो किससे रिलेट करता है, तो इसका सही आंसर है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे ही रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, विद रेफरेंस टू द नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको NFC बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तो वो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट है 1 and 3 स्टेटमेंट इसमें सही होंगे, तो डायरेक्ट इनको पढ़ते हैं। तो ये एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है डेट यूजेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो रेडियो फील्ड है उनका यूज़ होता है इसमें। दैन तीसरा, इसमें NFC कैन यूज़ इनक्रिप्शन, मतलब इनक्रिप्शन इसमें यूज़ होता है व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें यूज़ की जाती है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स, मतलब गोलन हाइट्स उस टाइम में न्यूज़ में था, तो ये किस एरिया से रिलेट करता है। ऑप्शन इसमें सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया, मिडिल ईस्ट सॉरी, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल अफ्रीका, तो किस एरिया से रिलेट करता है, तो ये होता है मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो जैसे इसमें मैप में दे रखा है, सो ये वाला पार्ट जो पूरा है ये गोलन हाइट्स है, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस वजह से उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, जो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन इम्प्लाइज, मतलब जो कन्वर्टिबिलिटी है रुपीज़ की वो किस पर इम्प्लाइज करती है, तो इसका आंसर है तीसरा, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, तो उसको कन्वर्टिबिलिटी रुपीज़ के उसमें इम्प्लाइज करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब इसमें मिडिल स्टेट दे रखे हैं जो मिडिवल इंडियन टाइम के पीरियड में और जो प्रेजेंट के दे रखे हैं, तो उनका नाम दे रखा है जो पहले थे मिडिवल टाइम में थे और जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी हैं, तो इनमें पहला है चंपक जो कि सेंट्रल इंडिया में, दुर्गरा जम्मू में, कुलुता मालाबार में, तो इनमें कौन से सही है, तो इसका आंसर है दूसरा वाला सही है, जो दुर्गरा जो कि जम्मू में है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो अभी हाल टाइम में जो चंपा के स्टेट है जिसको चंबा बोलते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो दुर्गरा वो जम्मू में है, और जो त्रिगता वो जालंधर में, और जो कुलुता जो कुल्लू वो हिमाचल प्रदेश में है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, कंसीडर फॉलोइंग रिवर, इसमें रिवर दे रखी है वामसदर, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनार, तो इनमें से ट्रिब्यूटरी गोदावरी की कौन सी होगी, ये है, तो इसमें से आंसर सही है डी, दूसरा या तीसरा, जो इंद्रावती और पेनार है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आंसर दे रखे, सॉरी गोदावरी और प्राणहिता, सॉरी 2 and 3, इंद्रावती और प्राणहिता ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सेटिंग, मतलब एक बिल जब जॉइंट सेटिंग को आता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो हैज़ टू पास बाई, तो ये जो बिल जब जॉइंट सेटिंग के लिए जाता है तो पार्लियामेंट किसकी वजह से, मतलब कोई बिल आता है तो मतलब मेजोरिटी कौन सी होती है इसमें, तो यही आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें मेजोरिटी होती है एक सिंपल मेजोरिटी होती है मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, सो इसमें होती है सिंपल मेजोरिटी मेंबर जो कि प्रेजेंट है और जो वोट कर सकते हैं, ये इसमें जब इसी वजह से इस वजह से वो बिल जॉइंट सेटिंग के लिए जाएगा, तो ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और कृषि, मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे और डिसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो ये ऐसा कौन सा रीजन है, तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पर मैंग्रोव भी देखने को मिलेंगे,
एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे और डिसीडियस फॉरेस्ट भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की लाइफ में दे रखा है तो वो कौन सी चीज़ें वहाँ कौन सा किंगडम है वो एसोसिएटेड हैं, तो इनमें से तीसरा और चौथा मतलब कौशला और मगधा ये बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सबस्टेंट, मतलब ये है कि ये जो ओजोन डेप्लेटिंग सबस्टेंट हैं जो फेज आउट हो जाते हैं, जो इशू कंट्रोल एंड फेज आउट हो जाते हैं ना, इसको किस कॉन्फ्रेंस है किससे रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड होगा, उसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही जो ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सबस्टेंट है वो उसको इससे रिलेटेड करता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन इसमें और एक्सप्लेनेशन में इसमें दे रखा है ब्रेटन वुड्स वाला कॉन्फ्रेंस है वो किससे रिलेट करता है, वो IMF और वर्ल्ड बैंक से, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जो इमिशन जो होता है ग्रीन हाउस गैस का वो इससे रिलेटेड है, और जो नागोया प्रोटोकॉल है वो किसका है, वो जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं जो बेनिफिटिंग एरिया होंगे वो इससे रिलेटेड करता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लैंड, मतलब जो बाबर की जब इंडिया में एंट्री हुई थी वो अपने साथ किस टेक्नोलॉजी या किस चीज़ को लाया था, तो वही इसको यही क्वेश्चन है। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, देन तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी, तो ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से सही कौन सा है, सो इनमें से सही है बी वाला 1 और 3, इसमें से सही है बी वाला 1 और 3, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी, ये चीज सॉरी सी नहीं बी वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी मतलब तीसरा वाला सही है। सो जो तिमुरिड डायनेस्टी थी वो बाबर की वजह से मतलब बाबर की वजह से इसने तिमुरिड डायनेस्टी को इस्टेब्लिश हुई थी, तो इस चीज़ को याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 ओनली हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश नीति आयोग, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया था तो वो किस कमीशन को रिप्लेस करके इस नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन ह्यूमन राइट्स, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन या प्लानिंग कमीशन, तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो G20 कॉन्फ्रेंस है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो इसका ऑब्जेक्टिव है आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इसका मतलब है। सो G20 कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थी, तो इसको याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 94 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं तो कौन सा सही कौन होगा, दो जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया की वो किसके विस्टेड में, प्राइम मिनिस्टर, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके अंडर होती है, प्रेसिडेंट के अंदर, और जो एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये इसी वजह से दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, जो टर्म जो दे रखी है इसमें गोल्डी लॉक जोन है तो वो क्या रेफर करती है, तो जो गोल्डी लॉक जोन है वो करती है जो अर्थ लाइक जो प्लेनेट होते हैं आउटर स्पेस में, तो इसका मतलब यही है गोल्डी लॉक जोन, जो अर्थ लाइक स्पेस में अर्थ लाइक जो प्लेनेट उसको सर्च करते हैं उसका मतलब ये होता है गोल्डी लॉक जोन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द मार्च एज ए तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक जो तंजोर कोस्ट पर जो ब्रेक कर रहा था 1930 में, तो किसने किया था, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी राजा गोपालाचारी, तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था तंजोर कोस्ट पर 1930 में अप्रैल में, तो आंसर नंबर बी सी राजा गोपालाचारी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक द रूल हिज किंग न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ ए दैती टू हुम ऑल द लैंड ऑफ लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग, तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार
इनमें से कौन सा रूलर होगा, तो ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसका आंसर है हरिहरा वन। तो हरिहरा वन इन्होंने एक नया सिटी इन्होंने फाउंड किया था, कहाँ पर, रिवर बैंक, मतलब कृष्णा रिवर बैंक के पास में, ट्रिब्यूट जो कि ट्रिप वहाँ पर साउथ बैंक पे इस पर क्या था, तो इस चीज़ को याद रखना। वही फाउंडर हैं विजयनगर एम्पायर के, तो इस चीज़ को याद रखना। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें 98। सो द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसका उसमें ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, सरोजिनी नायडू, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये दूसरा। तो इनमें से कोई एक सही होगा, तो इसमें सही है दूसरा वाला। सो मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इन INC के थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बट जो फर्स्ट वुमेन जो थी वो सरोजिनी नायडू नहीं थी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, ना कि वुमेन थी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। सो जो एनी बेसेंट थी वो फर्स्ट वुमेन थी, वुमेन प्रेसिडेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर वन गलत हो जाता है। देन दूसरा क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखें, तो कौन सा सही होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा है, इसको फाउंड किया गया अंडर द एज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इसका पहला ही स्टेटमेंट सही होता है। सो इसका मेन ऑब्जेक्ट काउंटर क्लाइमेट चेंज के लिए था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, लास्ट क्वेश्चन। सो जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2014 वाला, वो किसको दिया गया था, तो ये क्वेश्चन है। वो दिया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इसरो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। सो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू UPSC लाइब्रेरी। और ये वीडियो पे अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं 2016 का जो यूपीएससी का GS1 पेपर है उसका भी मैं डिस्कशन लाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।